ओम श्री गणेश नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 5 जुलाई सोमवार आज के मेष राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन खूब सकारात्मक सोच रखें ताकि पुरानी गलतियों को दोहराने से बच सकें, साथ ही धैर्य रखने में ही समझदारी होगी, स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा अपने भी आपसे नाराज हो सकते हैं। कार्यस्थल पर पूरी बात सुने बिना तीखी प्रतिक्रिया ना ही दें तो बेहतर होगा, साथ ही भविष्य की चिंताएं वर्तमान खराब कर सकती हैं। कामकाज में छोटी सी गलती नकारात्मक परिणाम दे सकती है, पूरी सतर्कता के साथ काम पूरा करें। युवाओं के लिए दिन लगभग सामान्य रहेगा, हेल्थ को लेकर सावधान रहने की बेहद जरूरत होगी, खासकर शुगर पेशेंट या हाई बीपी के लोगों को अधिक चिकनाई युक्त भोजन करने से बचना होगा। परिवार में सुख शांति के लिए आराध्य देव की पूजा अर्चना से मन शांत होगा और आर्थिक हालात स्थिर रहेंगे, साथ ही झगड़े और विवाद से दूर रहें और स्वास्थ्य के प्रति आपको चौकस रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज जीवन साथी की बात को महत्व देना होगा और साथ ही आज कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। आज यात्रा से सावधान रहें, सजग रहें, साथ ही नौकरी पेशा लोगों की चिंताएं भी आज बढ़ सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। दोस्तों आज जोखिम के कार्यों में सावधानी जरूरी है, साथ ही अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंताएं रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंताएं बनी रहेंगी, मन में निराशा का भाव जागृत हो सकता है और साथ ही अत्यधिक आत्मविश्वास आपको संकट में भी डाल सकता है और साथ ही अधिक दूरी की यात्राओं से आपको सावधान रहना होगा, कार्यों में बेवजह की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। इस समय व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप लाभदायक साबित होगी और कार्य का दायरा भी बढ़ेगा, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन रही है। साथ ही साथ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात आपके व्यवसाय को तुरंत गति प्रदान करेगी, इसलिए अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और प्रेम संबंधों में भी निखार आएगा, इससे आप दोनों में नजदीकियां बढ़ जाएंगी और साथ ही मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय रहेगा, की गई कोशिशों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आपको कई बार आगाह किया गया है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई पुरानी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसे आप गंभीरता से लें और तुरंत इलाज कराएं, इसके लिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें जिससे समस्या तुरंत समाप्त हो सके और नियमित योग करें, व्यायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और इसके साथ ही किसी गाय को रोटी खिलाएं और इसके साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। दोस्तों आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शिव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।